शाहजहांपुर में गठबंधन प्रत्याशी अमरचंद जौहर ने आज चल रहे मतदान को लेकर प्रशासन के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सपा बसपा के समर्थकों वाले बूथों पर मतदाताओं की पर्ची होने के बाद भी उन्हें वोट देने से रोका जा रहा है। प्रशासन की लापरवाही के कारण लोग अपना वोट नहीं दे पा रहे हैं, जो लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने कई स्थानों पर ईवीएम में गड़बड़ी होने की बात भी कही है। पूरा कहीं कहीं मशीन खराब है, हमारे वोटरों को रोका जा रहा है और इस तरीका से धमकाया जा रहा है। पूरा प्रशासन जो है सत्ता पक्ष के साथ लगा हुआ है। अच्छा, जैसा कि व्हील चेयर का जो इंतजाम किया गया था डीएम महोदय द्वारा, यहाँ हमने देखा है कि एक विकलांग लाया है, लेकिन उसके लिए व्हील चेयर का इंतजाम नहीं है, क्या कहेंगे? वो प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन इसे प्रशासन नाकाम रहा है। मैं अभी जब आया तो यहाँ मुझे पब्लिक ने बताया, लोगों ने कहा कि हमारा पीएलओ पर्ची हमारे पास है, लेकिन अंदर की जो पोलिंग पार्टी है उसके पास जो सूची है, मतदाता सूची, उसमें उसका नाम ही नहीं है। उस क्रमांक पर कोई और है, महिला की जगह पुरुष है, पुरुष की जगह महिला है, कोई और नाम है। तब फिर मैंने अभी बात की डीएम साहब को, मैंने फ़ोन किया, डीएम साहब से बात हुई, उन्होंने सहयोग करने का भी वायदा किया और कहा कि जिसके पास बीएलओ पर्ची है वो किसी भी अपनी आईडी के साथ वोट डाल सकता है और इस पर किसी भी सूरत में हमें जो पोलिंग पार्टी है वो मदद करने को तैयार नहीं थी। डीएम साहब के आदेशों के बाद भी पोलिंग पार्टी ने लोगों को बाहर भेज दिया कि आपका वोट नहीं पड़ सकता। इस पर फिर अभी बात हुई, दोबारा से मैंने फिर बात की, दोबारा से फिर अभी उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को यहाँ भेजा है। अभी तक निर्णय क्या हुआ इसकी जानकारी मुझे नहीं हुई है, लेकिन हमारा इस पर कहना साफ साफ ये है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है। अगर बीएलओ पर्ची है किसी के पास तो बीएलओ पर्ची तो सरकार ने बनाई है, किसी प्राइवेट व्यक्ति ने तो बनाई नहीं है, और जो पोलिंग पार्टी है उसके पास भी जो मतदाता सूची है वो भी सरकार ने बनाई है, कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है। क्या लगता है किसकी गड़बड़ी है ये? गड़बड़ी तो पूरी तरह से प्रशासनिक अमले की है, चुनाव आयोग इस पर देखे कि किसकी गड़बड़ी है और उस पर दोषी को सजा भी मिले कि अगर बीएलओ की पर्ची है तो या तो बीएलओ की पर्ची फर्जी है या फिर जो पोलिंग पार्टी के पास मतदाता सूची है वो फर्जी है। कहीं ना कहीं ये मतदान में गड़बड़ी कराने की मुझे साजिश भी नजर आती है कि कहीं पूरी तरह से किनका जो हाथ सरकार में लोग बैठे हैं वही साजिश कर सकते हैं। किनका हाथ लग रहा है इस गड़बड़ी कराने? पूरी तरह से भाजपा का हाथ लग रहा है मुझे, जो लोग क्योंकि वोट डालना चाहते हैं और उनके पास वोटर स्लिप है, बीएलओ पर्ची है, कोई ऐरा गहरा चीज नहीं है, कोई साधारण चीज नहीं, बीएलओ पर्ची सरकार ने बनाई है, चुनाव आयोग ने बनाई है। फिर बीएलओ पर्ची या तो सरकार ये कहे, आयोग ये कहे, प्रशासनिक अमला ये कहे कि बीएलओ पर्ची फर्जी है, तो जब बीएलओ पर्ची फर्जी नहीं है तो उसका नाम अंदर क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है और मुझे तो इसमें बड़ी साजिश नजर आ रही है मतदान में, और ये साजिश पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की है। सरकार में वही लोग बैठे हैं, पूरी तरह से सरकार की मशीनरी को, सरकारी मशीनरी को वही यूज कर सकते हैं।